टिड्डी दल का प्रकोप महामारी स्वरूप ग्रहण कर लेता है, इसलिए आवश्यक है कि जिले में निरंतर टिड्डी दल के आक्रमण की निगरानी की जाए ताकि किसी भी स्तर के प्रकोप की दशा में ससमय नियंत्रण पाया जा सके। यह जानकारी देते हुए मुख्य विकास अधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि टिड्डी दल के दिखने या प्रकोप की दशा में जिसकी सूचना ग्राम प्रधान, लेखपाल, कृषि विभाग के प्राविधिक सहायकों एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन, कृषि रक्षा अधिकारी, कृषि विभाग तक तत्काल पहुंचाएं। सीडीओ हर्षिता माथुर ने कहा कि किब टिड्डी दल प्रायः 10 बजे से सुबह के बाद ही अपना स्थान बदलते हैं, इसलिए यह समय नियंत्रण आगे बढ़ने से रोकने हेतु होता है। टिड्डी के प्रकोप की दशा में एक साथ इकट्ठा होकर टीन के डब्बों, थालियों आदि को बजाते हुए शोर मचाएं। शोर से टिड्डी दल आसपास के खेतों में आक्रमण नहीं करने पाएगा। सीडीओ ने बताया कि टिड्डी दल हमेशा बलुई मिट्टी में अंडा देते हैं, ऐसे में किसान बलुई मिट्टी वाले खेतों की गहरी जुताई करें और जुताई के बाद खेतों में सिंचाई कर पानी भर दे, जिससे खेतों में टिड्डी के अंडे नष्ट हो जाएं तथा उनका फैलाव भी रुक जाएगा। टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए खेत में 100 किलोग्राम धान की भूसी को आधा किलोग्राम फेनिट्रोथियन तथा 5 किलो गुड़ के साथ मिलाकर खेत में डाल दें। इसके जहर से टिड्डी मर जाते हैं। रासायनिक कीटनाशक मेलाथियन 5% धूल की 25 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव किया जा सकता है। सीडीओ ने बताया कि अधिक जानकारी हेतु नजदीकी कृषि रक्षा इकाई, बीज गोदाम के प्रभारी अथवा क्षेत्रीय कृषि विभाग कर्मचारी या जिला कृषि रक्षा अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।